हेलो स्टूडेंट्स, इस पार्ट से हम शुरू करने जा रहे हैं गैसेस स्टेट के बारे में। लास्ट वीडियोस हमने जो की थी वो सॉलिड स्टेट पे थी। अब सबसे पहले ये एक जो फर्स्ट पार्ट है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि किसी भी सब्सटेंस की जो स्टेट की एग्जिस्टेंस है वो डिपेंड करती है कि इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी में से कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है। अब थर्मल एनर्जी का सबसे पहले मीनिंग क्या है? किसी भी सब्सटेंस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, लाइक इन केस ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स, उनके पास कितनी एनर्जी है रूम टेम्परेचर पे, और गैसेस के मॉलिक्यूल्स के पास मोस्टली जो एनर्जी है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और जो थर्मल एनर्जी है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है जो एनर्जी, उस एनर्जी और इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस में से कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा वो डिसाइड करेगा किसी भी सब्सटेंस की स्टेट के बारे में। अब अगर हम सॉलिड स्टेट के अंदर देखें तो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस थर्मल एनर्जी पे डोमिनेट करते हैं, जबकि गैसेस के केस में जो थर्मल एनर्जी है वो डोमिनेट करती है इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस पे। तो किसी भी सब्सटेंस की एग्जिस्टेंस डिपेंड करेगा कि दोनों फैक्टर में से कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, और लिक्विड स्टेट इन दोनों स्टेट्स के इंटरमीडिएट है। तो सबसे पहले अगर हम इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस देखें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच, तो सॉलिड स्टेट में वो मैक्सिमम होंगे। इसी वजह से सॉलिड स्टेट के अंदर पार्टिकल्स सिर्फ अपनी पोजीशंस पे वाइब्रेशनल मोशन शो करेंगे, वहां पे ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगी। गैसेस स्टेट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस बहुत वीक हैं, और उन फोर्सेस को कलेक्टिवली हम पढ़ेंगे वेंडरवाल फोर्सेस के अंदर, और वेंडरवाल फोर्सेस की मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा वीक है। इस वजह से थर्मल एनर्जी मींस मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है उस वजह से गैसेस में सबसे ज़्यादा रैंडम मोशन होगी, मींस जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़िगज़ैग पाथ को फॉलो करेंगे। तो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस के बेस पे अगर आप किसी सब्सटेंस की स्टेट्स का कंपैरिजन करोगे तो गैसेस स्टेट में इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस सबसे वीक और सॉलिड स्टेट में सबसे स्ट्रांग। अब अगर डिसऑर्डर की बात करोगे तो गैसेस स्टेट के अंदर डिसऑर्डर मैक्सिमम है, सॉलिड स्टेट में डिसऑर्डर क्या है सबसे मिनिमम है। अब जो थर्मल एनर्जी के फैक्टर का डोमिनेंस है इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस पे, तो उस वजह से सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गैसेस सिस्टम की जो स्टडी है वो सबसे सिंपल है, क्योंकि गैसेस स्टेट्स के अंदर जो इंटरमॉलिकुलर इंटरेक्शंस हैं वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं। इस मींस से इसके वजह से गैसेस की स्टडी में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी। जैसा कि आगे जाके हम गैसेस स्टेट के अंदर लॉ पढ़ेंगे, तो उन लॉज को अगर आपने एक्सप्लेन करना है तो उन सभी लॉज को हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी फॉर गैसेस से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट सॉलिड्स और लिक्विड का बिहेवियर एक्सप्लेन करने के लिए हम एक सिंगल थ्योरी पे रिलाई नहीं कर सकते, हमें डिफरेंट अप्रोचेस चाहिए उन केस के अंदर। फॉर एग्जांपल मेटालिक बॉन्डिंग का केस है सॉलिड्स के केस में, तो उनके लिए अलग अलग अप्रोच से उन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया जा सकता है, बट गैसेस के केस में एक ही थ्योरी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से हम गैसेस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसीलिए गैसेस के केस में स्टडी करना सबसे सिंपल है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स हैं उनमें से 11 एलिमेंट्स हैं जो गैसेस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से पहला हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, उसके बाद आपके पास नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और इरिडियम। तो ये सभी एलिमेंट आपको गैसेस फॉर्म के अंदर मिलेंगे बिकॉज इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस आर वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू दी थर्मल एनर्जी पोसेस्ड बाई दी गैसेस मॉलिक्यूल्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भी, अगर हम गैसेस को कंप्रेस करते हैं तो गैसेस क्या हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। रीजन, क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल के बीच बहुत लार्ज एम्प्टी स्पेस होता है, और उस एम्प्टी स्पेस की वजह से गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई है। बट अगर हम किसी गैस को कंप्रेस कर दें तो मॉलिक्यूल नज़दीक आ जाएंगे, बट मॉलिक्यूल नज़दीक आने का ये मतलब नहीं है कि वो गैस से स्टेट किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में। मॉलिक्यूल जरूर नज़दीक आ गए बट उनकी थर्मल एनर्जी अभी भी हाई है। अगर उनके पास थर्मल एनर्जी हाई है तो वो मॉलिक्यूल फिर से दूर मूव कर सकते हैं। अगर हम साइमल्टेनियसली हाई प्रेशर पे उन मॉलिक्यूल्स की थर्मल एनर्जी को डिक्रीज कर दें बाय कूलिंग दी गैस, तब हम गैस को क्या कर सकते हैं,
लिक्विफाई कर सकते हैं। तो गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए हमें कंबाइंड इफेक्ट चाहिए, किसका, प्रेशर का प्लस टेम्परेचर को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे गैसेस को लिक्विफाई किया जा सकता है, तो दोनों के कंबाइंड इफेक्ट में ही गैसेस लिक्विफाई होंगी। अब उसके बाद जो गैसेस हैं वो अपना जो प्रेशर है, अब गैसेस का प्रेशर है जो वो किस वजह से है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स लगातार आपस में और कंटेनर की वॉल्स पे क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, और उस कोलिजन के टाइम वो गैसेस के कंटेनर की वॉल्स पे एक फोर्स एग्जर्ट करेंगे, और उस फोर्स की पर यूनिट वैल्यू को हम बोलेंगे प्रेशर ऑफ गैस। अब जो गैसेस का प्रेशर एग्जर्ट होता है वो सभी डायरेक्शन में सेम होता है, और इसका एक्सीलेंट एग्जाम्पल आप देख सकते हो बैलून के अंदर, जब हम गैस फिल करते हैं तो बैलून की शेप है वो क्या बनती है, स्फेरिकल बनती है। इससे प्रूव होता है जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं दैट एग्जर्ट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, इसी वजह से बैलून की शेप क्या आ रही है, स्फेरिकल आ रही है। अब उसके बाद गैसेस के केस में एम्प्टी स्पेस लार्ज होने की वजह से गिवन मास के लिए उनका वॉल्यूम बहुत हाई होता है, तो इस वजह से गैसेस की जो डेंसिटी है दैट इज मच लोअर देन लिक्विड एंड सॉलिड। अगर सॉलिड्स के साथ कंपेयर किया जाए किसी भी सब्सटेंस की सॉलिड स्टेट के साथ, तो गैसेस स्टेट में जो डेंसिटी है लगभग वो 1000 times क्या होती है, कम होती है। उसके बाद गैसेस की आपको पता है कि जो वॉल्यूम है और शेप दैट इज डिसाइडेड बाय द कंटेनर इन विच गैसेस सब्सटेंस इज फिल्ड, तो जो कंटेनर की शेप और वॉल्यूम होगा वही शेप और वॉल्यूम क्या कर सकते हैं, गैसेस अपने आप के लिए अक्वायर कर सकते हैं। अब वॉल्यूम के रिगार्डिंग आपको पता है कि अगर हम वाटर का केस ही देखें तो वाटर की जो डेंसिटी है वो 4 degrees टेम्परेचर पे 1 gram per ml होती है। इट मींस अगर हम 4 degrees टेम्परेचर पे देखें तो वाटर का जो मोलर मास है वो 18 gram per mole है। इट मींस 4 degrees टेम्परेचर पे वाटर का जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी 18 ml। बट अगर हम इसी वाटर को वेपर फॉर्म के अंदर देखें तो वेपर गैस की तरह बिहेव करते हैं, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस पे जाके इन्हीं वाटर वेपर का जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी 22.4 liters। तो वाटर के एग्जांपल से ही आप देख रहे हो कि वाटर 4 degrees पे वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है 18 ml, और अब जब कंडीशन चेंज हुए तो इंक्रीज इन वॉल्यूम इज वेरी लार्ज, वो है 22.4 liters। तो गैसेस के केस में वॉल्यूम और शेप फिक्स नहीं है। अब इसके बाद जो गैसेस की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, गैसेस के अंदर डिफ्यूजन का फिनोमेना आपने पढ़ा है, तो डिफ्यूजन होता है जब गैसेस, तो गैसेस की ये टेंडेंसी होती है कि वो एक होमोजीनियस मिक्सर क्या करें, फॉर्म करें। तो गैसेस जब भी मिक्स होती हैं वो इवनली और कम्प्लीटली मिक्स होती हैं, और उनको मिक्स होने के लिए किसी भी एक्सटर्नल मैकेनिकल एड की जरूरत नहीं होती। हमें पता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज अ स्पॉन्टेनियस फिनोमेना। तो ये बेसिकली मैंने कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किए हैं जो गैसेस स्टेट के हैं। उसके बाद गैसेस स्टेट को स्टडी करने के लिए हमें कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज चाहिए, और 4 measurable प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हैं। पहले है मास, तो मास जो गैसेस स्टेट का चैप्टर है उसके अंदर टॉपिक के अंदर ज़्यादातर मास के लिए हम यूज करेंगे क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस दैट इज नंबर ऑफ मोल्स को। वॉल्यूम क्या है, किसी भी सब्सटेंस द्वारा ऑक्यूपाई किया गया स्पेस है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हम 1 ml से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 cm³ इज इक्वल टू 1 ml, 1000 ml इज इक्वल टू लीटर, एंड 1 liter इज इक्वल टू 1 dm³। तो इस फॉर्म में गैसेस के वॉल्यूम को हम एक्सप्रेस करेंगे। टेम्परेचर मोस्टली जो एक्सप्रेस होगा वो केल्विन स्केल पे होगा, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलेंगे हम उसे, और केल्विन स्केल पे जो 0 Kelvin है दैट इज इक्वल टू -273.15 degrees centigrade। ये आपके लेक्चर्स के अंदर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो टेम्परेचर के लिए स्केल यूज हो सकते हैं वो फारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल हो सकते हैं, बट मोस्ट कॉमन जो स्केल यूज करेंगे हम SI यूनिट्स के अकॉर्डिंग वो होगा केल्विन स्केल। प्रेशर है, उसके लिए हम अलग से एक टॉपिक स्पेशली डिस्कस करेंगे। प्रेशर क्या है मैंने डिस्कस किया है। अब प्रेशर जो होगा वो मेजर होगा इन केस ऑफ गैसेस, यूनिट होंगी जो वो एटमॉस्फेरिक यूनिट होगी, बार होगा, और SI यूनिट है जो प्रेशर का, पास्कल है। तो ये मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस किया है गैसेस स्टेट के बारे में।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मेजरेबल प्रॉपर्टी के बारे में, और उसमें सबसे ज़्यादा हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा ऑन प्रेशर।